हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह, आप कर रहे हैं दसवीं क्लास की पंजाबी दी बुक साहित्य सुगंध। इस विच आपां जिहड़ा दूजा लैसन है श्री गुरु नानक देव जी ये कर रहे हैं। इस विच आपां श्री गुरु नानक देव जी बाणी जिहड़ी दूजी, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पए कुरलाए तै की दर्द न आया। आपां इत्थों तक जिहड़ी अपनी बाणी दा इहनूं आपां तिन हिस्सिआं च समझांगे तां कि आपां नूं समझना लिखना याद करना सौखा हो जाए। तो आपां इहनूं पहली आपां व्याख्या इत्थों तक करांगे। पहला आपां लिखदे हाँ प्रसंग, पहला लिखांगे प्रसंग, फिर गल करांगे व्याख्या दी। प्रसंग, प्रसंग ए काव्य टोटा, ए काव्य टोटा साडे पंजाबी दी पाठ पुस्तक, पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां। सुगंधियां पाठ पुस्तक का नाम है साहित्य सुगंधियां, विच दर्ज श्री गुरु नानक देव जी की रचना। साहित्य सुगंधियां विच दर्ज श्री गुरु नानक देव जी दी बाणी, बाणी खुरासान खसमाना किया। विचों लईयां गईयां हन, गईयां हन विचों लईयां गईयां हन। ये बाणी गुरु नानक देव जी जिहड़ी ये बाणी है, गुरु नानक देव जी ये बाणी गुरु नानक देव जी 1521, गुरु नानक देव जी 1521 ईस्वी विच, किन्नी ईस्वी विच देव जी 1521 ईस्वी विच, 1521 ईस्वी विच बाबर दे भारत उपर हमले संबंधी, बाबर दे भारत उपर हमले संबंधी, जिहड़े बाबर ने भारत उत्ते जिहड़ा हमला किया सी, हमले संबंधी, हमले हमले संबंधी जिहड़ा भारत उत्ते हमले हुए सी, उस संबंधी लिखी है जिहड़ी ये बाणी, संबंधी लिखी है। इस बाणी विच उन्होंने गुरु जी ने इस सत्रां विच मुगल फौजियां
गुरु जी ने इन्हां सत्रां विच मुगल फौजियां जिहड़े मुगल फौजी सन मुगल फौजियां ने मुगल फौजियां दे हथों जिहड़े मुगल फौजी सन मुगल जिहड़े सैनिक सन उन्हां दे हथों सैदपुर दे निवासी हथों सैदपुर कितों दे सैदपुर दे निवासी सैदपुर दे निवासी जिहड़े सैदपुर दे निवासी सी निवासियां दी जो दुर्गत अखी देखी निवासियां दी दुर्गत अखी देखी दुर्गत दा भाव उन्हां दी जिहड़ी दुर्गति हुई दुर्गत अखी देखी उस दा दर्द भरे ढंग नाल जिक्र कीता है देखी उस दा दर्द भरे दर्द दा भाव भी जिहड़े ने हत्थे कमजोर जिहड़े उन्हां दे मुगल फौजियां ने हमला करता सी उस दा दर्द भरे ढंग नाल जिक्र कीता है उस दा दर्द भरे ढंग नाल जिक्र कीता है किन्हां ने श्री गुरु नानक देव जिक्र कीता है ते ए इन्ना कहर भरे जुल्मा जिक्र कीता है ते इन्ना जिहड़ा कहर भरे जुल्म जिहड़ा उन्हां ते कहर भरिया जुल्मां दा रब नूं उलामा दित्ता है जिहड़ा जुल्मां दा रब नूं उलामा दित्ता है जुल्मां दा रब नूं उलामा दित्ता है गुरु जी ने ए सी अपना प्रसंग इस प्रसंग विच एक आव टोटा साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित सुगंधियां विच दर्ज श्री गुरु नानक देव जी दी बाणी खुरासान खसमान किया आपे हिंदुस्तान डराया ते उहदे विचों लईयां गईयां हन इन्हां सत्रां दे विच जिहड़े श्री गुरु नानक देव जी ने जो सैदपुर दे निवासियां दे उपर जुल्म हो रहा सी उस दी गल कीती जिहड़े निहत्थे कमजोर जिहड़े मुगल फौजां ने उन्हां ते हमला कीता सी उस दा दर्द भरिया जिहड़ा दर्द भरिया जिक्र करदे होए रब नूं उलांभा दिंदे होए कहिंदे हन कि व्याख्या गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि खुरासान नूं अधीन करन पिछों
जिहड़ा खुरासान है, खुरासान की है, ईरान दे पूरब वल ते अफगान दे पछम वल। जिहड़ा खुरासान एक स्थान का नाम है जो कि ईरान दे तां पैंदा है पूरब, ते जिहड़ा अफगानिस्तान दे पैंदा है पछम वल दा देश है। दोनों देशों दे एक एक देश दा मतलब विचाले आ गया, एक दे पूरब वल है। हुण खुरासान दे जिहड़ा आपां आखीए जिहड़ा पछम वल ते पूरब दस्सिया गया, ईरान दे पूरब वल ते अफगानिस्तान दे पछम वल दा देश है खुरासान। खसमान किया भाव अधीन कर लिया, कब्जे हेठ कर लिया। तां खुरासान गुरु जी फरमाउंदे हन कि खुरासान नूं अधीन करन पिछों मुगल हमलावर बाबर हिंदुस्तान उत्ते हमले दा सहम पा दिंदा है, डर पै जांदा है कि हुण जिहड़ा बाबर है वह हिंदुस्तान ते हमला करेगा। जिहड़े लोग अपने फर्जां नूं भुल के रंग रलियां विच पै जांदे हन, जिहड़े लोग अपने फर्जां विच नूं भुल के रंग रलियां दे विच पै जांदे हन, उन्हां नूं सज़ा भुगतनी पैंदी है। हुण जिहड़ा खुरासान ते कब्जा क्यों होया, क्योंकि वह अपनी जिम्मेवारियां की सी, अपने राज दी अपने देश दी उन्होंने रखिया नहीं कीती, वह रंग रलियां दे विच मस्त हो गए सन, इसलिए उन्होंने सज़ा भुगतनी पई। उस दा उदाहरण दिंदे हुए गुरु साहिब समझाते हैं कि जो अपने जिहड़े लोग अपने फर्जां नूं भुला के रंग रलियां दे विच मस्त हो जांदे हन, उन्हां नूं सज़ा भुगतनी पैंदी ही है, उन्हां नूं सज़ा भुगतनी पैंदी है। इस बारे करतार उपर सानूं कोई इतराज़ नहीं करना चाहिदा, सानूं कोई इतराज़ नहीं होना चाहिदा, क्योंकि असीं अपने कर्म अनुसार ही फल प्राप्त करते हाँ। असीं रंग रलियां दे विच मस्त हो गए हाँ तो सानूं सज़ा मिलूगी ही मिल भुगतनी ही पैनी है, क्योंकि असीं अपने फर्जां तो दूर होंदे जा रहे हाँ, दूर हो गए तो दूर होंदे जा रहे हाँ। तो इस ते सानूं जिहड़ा अकाल पुरख दे इतराज़ नहीं करना चाहिदा। इस करके भारत विच जो अपने फर्ज नूं भुल के विकारां दे विच फसे पए हन, विकारां दे विच मस्त होए पठान हाकमां नूं सज़ा देण लई करतार भाव उस वाहिगुरू ने मुगल हमलावर बाबर नूं जमराज भाव मौत दा फरिश्ता मौत दा दूत बना के हिंदुस्तान उत्ते भेजा, हिंदुस्तान ते चढ़ाया, जिहड़ा मौत दा इहनूं फरिश्ता मौत दा दूत बना के हिंदुस्तान दे उत्ते चढ़ा दिता। पर हे करतार, इन्नी बेरहमी नाल मार पई कि वह कुरला उठे तड़फ उठे पुकार उठे, इन्नी उन्हें मार पई। हे प्रभु, इन्ना जुलम हुंदा देख के तैनू उन्हें तरस नहीं आया, तू भी उन्हें उपर कोई रहम नहीं किया, उन्हें उपर बाबर का जुलम होन दिता, तो उन्हें उपर बाबर का जोड़ा जुलम है वह होन दिता। तो यह अपनी पहली व्याख्या, खुरासान खसमान किया हिंदुस्तान डराया। जदों खुरासान उत्ते बाबर ने अपना हमला कर लिया, उन्होंने अपने अधीन कर लिया, हुण हिंदुस्तान वासियां नूं डर हो गया सी कि हुण बाबर हिंदुस्तान उत्ते हमला करेगा, उहदी सहम पै गई, डर भय पैदा हो गया सी। क्यों हो गया सी? क्योंकि जिहड़े लोग अपने फर्जां नूं भुल के रंग रलियां दे विच मस्त हो जांदे हन, उन्हां नूं सज़ा भुगतनी ही पैंदी है। आपे दोष ने देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। आपने आप ते सानूं उस परमात्मा ते इतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो
उस अपने जो लोग अपने फर्जा नूं भुल के रंग रलियां विच मस्त हो जाते हैं उन्हां नूं सज़ा भुगतनी ही पैंदी है, उन्हां नूं सज़ा भुगतनी ही पैंदी है क्योंकि वह अपने फर्जा नूं भुल के विकारां विच पए हैं। जिवें हिंदुस्तान के जिहड़े पठान सन वह अपने जिहड़े विकारां दे विच फसे हुए सन, हिंदुस्तान पठान हाकमां नूं सज़ा जिहड़ी वह दित्ती ही जाणी सी, जिहड़े उन्हां दी सज़ा है पठान हाकमां नूं। तां उस ते सानूं इतराज़ नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेकर असी अपने फर्ज भुल के असीं अपने फर्जा नूं भुला दिंदे हाँ, असी परमात्मा नूं याद नहीं करते तो आपां नूं उहदी सज़ा जरूर भुगतनी पैंदी है। इसलिए सानूं उस परमात्मा उत्ते जिहड़ा इतराज़ नहीं करना चाहिदा। तां परमात्मा ने जमकर मुगल चढ़ाया, यमदूत बना के यमराज बना के हिंदुस्तान उत्ते चढ़ा दिता बाबर नूं सज़ा देण लई। जो जिहड़े पठान हाकम है पठान सी जो वह अपना फर्ज भुल चुके सन, तां उन्हां ते इन्नी मार पई, इन्नी ज़्यादा मार पई कि वह कुरला उठे, वह तड़प उठे, वह कुरला उठे, हे प्रभु इन्ने जुल्म हुंदा देख के तैनू उन्हां उत्ते तरस नहीं आया, इतनी मार पई कुरला, इन्नी मार पई कि वह कुरलाण लग पे कि तैं की दर्द ना आया, तैनू कोई तरस नहीं आया उन्हां ते, इन्ना दर्द हुंदा तैनू कोई तड़फ नहीं आई, उन्हां उपर तैनू कोई रहम नहीं आया, तू उन्हां उपर बाबर दा हमला करवा दिता, बाबर उपर बाबर दा उन्हां उपर जुल्म टैन या जुल्म होण लई दिता। तां इह सी अपनी जिहड़ी पहली व्याख्या। हुण गल करदे हाँ दूजी व्याख्या, दूजी व्याख्या दी प्रसंग अपना उही रहूगा। दूजी व्याख्या है अपनी करता तू सबना का सोई, करता तू सबना, करता तू सबना का सोई तो लैके सार नैकाई, सार करता तू सबना का सोई जे सकता, जे सकता सकते को मारे ता मन में रोस न हुई रहाओ, सकता सिहू मारे पै वगे खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ विगोए, रतन विगाड़ विगोए कुत्तियां मोया सार न काई, सार न काई। सोई, सोई दा भाव है सा लैण वाला, सकता भाव है तकड़ा, रोश दा भाव है गुस्सा, सिह दा भाव है शेर, पै दा भाव है हल्ला कर देना, वगै दा भाव गईयां, वग दा भाव, वगै दा भाव है गाइयां दा वग, निहत्थे भाव निहत्थे गरीब लोग, खसमे भाव मालक तो हैं, पुरसाई दा भाव है पुछ गिछ, रतन विगाड़ रतना वर्गे जिहड़े इस्त्री मर्द सन, जिहड़े रतना वर्गे, विगोई दा भाव नास कर दिते, सुआ कर दिते, खुआर किते, कुत्तियां भाव कुत्तियां ने तां व्याख्या। गुरु जी फरमाउंदे हन कि हे प्रभु तू जिया दी सार लैण वाला है, सार दा भाव संभालने वाला कौन है जीव नू, ओ परमात्मा। जेकर कोई जोरावर व्यक्ति जोरावर दी मार या अपने कह लो कुटाई करे तां वेखण वालियां दे मन विच कोई गुस्सा नहीं आउंदा,
क्योंकि दोने जो बराबर दे हैं। जोरावर नू जोरावर जोरदार जिहड़ा ताकतवर नू ताकतवर मार रहा कोई दुख नहीं आता क्योंकि दोहां तिरां दोहें तुरां एक दूजे नू करारा जवाब दे सकदियां हन हथ वि करारा हथ विका सकदियां हन। जेकर शेर वर्गा तकड़ा जानवर जोरावर जानवर गाइयां वर्गे कमजोर ने हथे लोकां उपर हमला कर देवे उत्ते हमला कर देवे या मारन पवे तां इस दी पुछ गिछ उस दे मालक नूं ही हुंदी है भी जिहड़े गाइयां वर्गे निहत्थे कमजोर लोग सी उन्हां उत्ते शेर वर्गा जिहड़ा ताकतवर है जानवर उह हमला कर देवे तां उहदी पुछ गिछ पड़ताल करनी उहदी मालक दा फर्ज बणदा है। इस करके हे प्रभु मैं तेरे अगे पुकार करदा हां कि निमाणी ते निहत्थी भारतीय जनता उपर बाबर दा जुलम उस दे किस जुलम दा फल सी जिहड़ा हिंदुस्तान दी भारतीय जनता निहत्थी जनता उत्ते बाबर दा जुलम सी उह किस जुलम दा फल सी किहड़ी उहनां दी सज़ा दित्ती किस गल दी उहनां नूं भारतीयां नूं सज़ा मिली सी। जिवें मनुख नूं पाड़ खाण वाले इन्हां मुगल कुत्तियां ने तेरे बनाए सोहणे बंदियां नूं मार मार के मिट्टी विच रोल दित्ता ते मरे पिया दी कोई सार भी नहीं लैंदा इस तरह दा जिहड़ा हालात दृश्य बनिया पिया है। तो गुरु जी फरमाउंदे हन कि हे प्रभु तू सारिया जीवां दी सार लैण वाला है पुछ गिछ करन वाला है संभालन वाला है वाहिगुरु। जेकर कोई जोरावर ताकतवर इंसान व्यक्ति ताकतवर जोरावर व्यक्ति नूं मारे तां वेखण वाले दे कोई मन च इतराज़ नहीं क्योंकि दोनों जिहड़ी तिरां है बराबर दियां है दोनों तिरां करारा हथ नाल जवाब दे सकदियां हन। जेकर शेर वर्गा जोरावर जानवर गऊ वर्गे निहत्थे कमजोर निहत्थियां ते लोकां नूं मारन पवे उन्हां ते हमला करके उन्हां नूं मारन पवे तां उस दे मालक दी पुछ गिछ तां हुंदी है वी पुछ गिछ उस दे मालक नूं करनी ही पैंदी है क्योंकि इस करके प्रभु मैं तेरे अगे पुकार करदा हाँ विनती करदा हाँ कि निमाणी ते निहत्थी भारतीय जनता उपर बाबर दे जुलम उस दी किस जुलम दा फल सी कुत्तियां जिवें कुत्तियां नूं वेख के दूजे कुत्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते वी मान लो एक कुत्ता है दूजे कुत्ते नूं देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते उस नूं ओह पाड़ खाण लई पैंदे हैं। इस प्रकार मनुख नूं पाड़ खाण वाले इन मुगल कुत्तियां ने तेरे बनाए बंदियां नूं मार मार के मिट्टी च रोल दित्ता ते मरे पिया की कोई सार लैण वाला नहीं गा। ये अपनी दूजी व्याख्या हुण गल करदे हाँ तीजी व्याख्या की। हुण गल करदे हाँ आपां तीजी व्याख्या की। तीजी है अपनी व्याख्या आपे जोड़ विछोड़ आपे जोड़ विछोड़ तो लैके जेते चुगे दाने प्रसंग अपना उही रहूगा आपे जोड़ विछोड़ आपे वेख तेरी वड्याई जे को नाव तराए वड्डा साध करै मन पाणे खसमे नदरी कीड़ा आवै जेते चुगे दाने मर मर जीवै ता किछ पाए नानक नाम वखाणे।
जोड़ भाव जोड़ के मिलाउण दा काम वेख भाव हे प्रभु सदा सदा करे साध करे। साध दा भाव है इत्थे रंग रलियां। मन दा भाव है मन मन विच भाणे जो उस परमात्मा नूं पाउंदा है भाणे पाउंदा। खसमे नदरी रब दी नज़र विच जेते जितने मर 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 अपने आप नूं विकारां विचों विकारां विचों वलों हटा के वखाणे भाव सिमरदा है। व्याख्या गुरु जी फरमाउंदे हन कि हे प्रभु तू आप ही जीवां दे आपस विच संबंध जोड़दा है। पर संबंध जोड़न वाला कौन है? परमात्मा। जीव आपां उस परमात्मा दे रचे हुए जीव हाँ। तू आप ही जीवां दे संबंध जोड़दा है ते आप ही उन्हां दे संबंध तोड़ के उन्हां नूं मौत दे घाट उतार के उन्हां नूं एक दूजे नालों विछोड़दा है। तू आप ही उन्हां दे संबंध जोड़दा है तू आप ही उन्हां नूं मौत दे घाट उतार के विछोड़दा है। ए तेरी यही तेरी ताकत दा जड़ा करिश्मा है। ए तेरी ताकत दा की है? करिश्मा है। हकूमत दे धन पदार्थां विच आद दे नशे दे विच मनुख अपनी हस्ती नूं भुल जांदा है। जदों मनुख कोल धन दौलत आ जाती है वो अपनी जिहड़ी हस्ती है जिहड़ा उहदा असल है वह भुल जाता है भी उसने एक दिन संसार नूं छड्ड के चले जाना है। पर वो ये नहीं जानता वो ये नहीं समझता कि जे कोई आदमी अपना वड्डा ना अखवा लवे ते मन पाउंदे जिहड़े है स्वाद चखे ते माणे तां वी वो परमात्मा दी नज़र विच एक कीड़ा है। की है? कीड़ा है। जो गंध मंद विच्चों जो गंध मंद विच्चों दाने चुग चुग के जिहड़ा जीवन गुजार रहा है। मनुख जन्म नूं एवें ही गुआ बैठदा है। गुरु जी दसदे हन कि आखदे हन कि जिहड़ा व्यक्ति अपने हंकार नूं मार के जिउंदा है अते प्रभु दे नाम सिमरन नूं याद करदा है ओही इत्थों कुछ प्राप्त कर सकता है होर कोई इत्थों प्राप्त नहीं कर सकता। ओही इत्थों कुछ प्राप्त कर सकता है होर इत्थों कुछ प्राप्त करके लेके नहीं जा सकता। तां इह सी अपनी जिहड़ी दूजी बाणी श्री गुरु नानक देव जी दी। हुण आपां इहदा करांगे सार। प्रश्न है खुरासान खस मान किया खुरासान खस मान किया शब्द केड़े बादशाह शब्द विच प्रकट किए गए विचारां नूं लिखो। शब्द विच प्रकट किते विचारां नूं लिखो किते गए विचारां नूं लिखो प्रगट किते गए विचारां दा सार लिखांगे। विचारां दा सार लिखना आपां सार लिखो। ये बाणी ये शब्द श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है। इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी ने 1521 ईस्वी विच जो बाबर दे भारत उपर हमले संबंधी लिखिया है वो इन्हां सत्रां दे विच मुगल बादशाह या मुगल फौजियां दे वल्लों जो सैदपुर दे निवासियां दी दुर्गत अखी देखी उस दृश्य दा जिक्र करदे हन अते कह रहे हन कि जुल्मां दा
ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਲਾ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜਾਨਵਰ ਗਊ ਵਰਗੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗਊ ਵਰਗੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਮਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਓਪਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਲਵੇ, ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਵਾਦ ਚਖੇ ਅਤੇ ਮਾਣੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੰਦ ਮੰਦ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ।
अगली वीडियो दे विच आपां इन्हां दा एक शब्द होर रह गया, बाणी होर रह गई, उस ते चर्चा करांगे। उन्ने समय विच तुसीं नूं ध्यान नाल नोट करना, समझना, याद करना। धन्यवाद।